जिला परिषद के चुनावों में हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले लोकप्रिय जिला पार्षद पिछले 1.5 वर्ष से अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बल पर पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। यही वजह है कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल को सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई विधायक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू करने को मजबूर हुए हैं। जी हाँ, युवा शक्ति पराक्रम के संस्थापक एवं जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने भाई बहन के असीम प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर बधाई एवं शुभकामनाएं भेजी। वहीं वाईएसपी के स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर मिष्ठान वितरण एवं ग्रीटिंग कार्ड और विशेष बैज भेंट किए। वहीं घोषणा की कि क्षेत्र की छात्राओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सेल्फ डिफेंस के निःशुल्क गुर सिखाए जाएंगे, जिसके लिए हर रविवार को विशेष ट्रेनिंग पंचायत स्तर पर प्रदान की जाएगी। चैतन्य शर्मा ने बताया कि सेल्फ डिफेंस अभियान के लिए पंजीकरण शुरू है, जिसके लिए इच्छुक बहनें युवा शक्ति पराक्रम की हेल्पलाइन 9805808888 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग से महिलाओं में आत्मबल और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। गौर रहे, पिछले 1 सप्ताह के अंतराल में चैतन्य शर्मा द्वारा आयोजित सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कारगिल विजय दिवस पर 350 पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का सम्मान, ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर अम्बोटा से शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव तक श्रद्धांजलि यात्रा और गगरेट में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में 3,000 विद्यार्थियों एवं युवाओं की उपस्थिति उनकी सोच एवं दूरदर्शिता को आत्मबल प्रदान कर रही है। साथ ही महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी सुविधा एवं राहत प्रदान कर रहा है। साथ ही उज्जवल ग्राम शक्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रास्तों पर सोलर लाइट लगाने का काम और शिक्षा में शक्ति के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना आम आदमी के लिए वरदान साबित हो रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे मैं अपनी सारी प्रिय बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ युवा शक्ति पराक्रम द्वारा आयोजित सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की भी घोषणा करता हूँ। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मेरे हमारी क्षेत्र की सारी महिलाओं से निवेदन है कि वो आगे आए और अपने आप को स्वतंत्र और निडर बनाए, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को हमारे क्षेत्र के चहुमुखी विकास में भागीदार बना सके। वाईएसपी की भी सारी स्कीमें महिला वर्ग पे विशेषकर ध्यान देती आई हैं। आगे आने वाले वक्त में भी आप सभी बहनों के साथ आपके हर कदम पर आपका भाई चैतन्य शर्मा सदैव खड़ा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।